इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य मान्य विधायक गण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता के की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए, बड़ी संख्या